आज हमने एकदम आसान तरीके से मुंह में घुल जाए ऐसा नरम, मुलायम और टेस्टी सूजी के लड्डू बनाए हैं। एकदम सॉफ्ट लड्डू बना है, तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं सूजी के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमने आधा कप घी लिया है। घी को पहले मेल्ट कर लेना है, फिर आधे कप के माप से लेना है। इसमें से हम थोड़ा बचाएंगे, थोड़ा पहले डाल के देखेंगे, अगर कम पड़ेगा तो बाद में दूसरा डालेंगे। 2 कप बारीक वाली सूजी ली है, ये 300 ग्राम सूजी है। लड्डू बनाने के लिए हमें बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। इसे पैन में डाल देंगे, अच्छे से चला के सूजी को मिक्स कर लेते हैं ताकि पता चले कि बाकी का घी हमें डालना है या नहीं। घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमें थोड़ा कम लग रहा है, तो हम बाकी जो बचाया था वो घी भी डाल देंगे, यानी पूरा घी हम आधा कप डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे सूजी को लगातार चला के भून लेते हैं। सूजी हमने बारीक वाली ली है तो इसे लगातार चला के ही भूनना है और धीमी आंच पे ही सूजी को हम भूनेंगे। सूजी को हमने 17 से 18 मिनट तक भूना है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। 6 से 7 बादाम को हमने चॉप करके लिया है, ये अंदर डाल देते हैं, और 6-7 काजू को चॉप किया है, इसे भी साथ में भून लेंगे। 1 मिनट लगातार चला के ड्राई फ्रूट को भी साथ में भून लेते हैं। टोटल हमने 20 मिनट तक सूजी को भूना है। गैस ऑफ कर देते हैं और 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस हमने बंद कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसे चलाना जरूरी है, नहीं तो नीचे से ये लाल हो जाएगी, सूजी जो है वो जल जाएगी। सूजी को हम एक और बाउल में निकाल लेते हैं क्योंकि कढ़ाई जो है वो गर्म है तो सूजी जल जाती है, इसके लिए हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे इसे। अभी हम चाशनी बना लेते हैं। 1 कप यानी 200 ग्राम चीनी है, इसे इस तरह से पैन में फैला के डाल देते हैं। चीनी डूब जाए इतना पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। आधा कप पानी हमने डाला है, मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लिया है, अभी चाशनी बॉईल होने लगी है। 1 तार की हमें चाशनी बनानी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हमने चाशनी को उबाल लिया है, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे चेक करना है। 1 तार की चाशनी हमें बनानी है और 1 तार बन गया है। गरम गरम चाशनी में ही हम सूजी भून के रखी है ये डाल देंगे, इसे हमें गरम चाशनी में ही डालना है। मिक्स कर लेंगे, आधी टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हमने चिरौंजी ली है ये डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। लड्डू का मिश्रण थोड़ा गीला लग रहा है तो सूजी चाशनी सब एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी। ढक्कन लगा के आधा घंटा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहना है, नहीं तो सूजी का मिश्रण जो है वो घट हो जाएगा और लाडू बना नहीं पाएंगे, तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। हमने इसे आधे घंटे के लिए रखा था और ये थोड़ा सा गर्म है अभी, तो इसका हम लड्डू बना लेते हैं। पर हम एक पिस्ता की स्लाइस रखेंगे और बादाम की स्लाइस रखेंगे, 1 किशमिश लगाएंगे, 1 गोल गोल घुमा लेंगे। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। अगर लड्डू का मिश्रण थोड़ा ड्राई हो जाए और आप लड्डू नहीं बना पाए तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध मिला के आप मिक्स कर सकते हैं या फिर गरम घी करके इसमें डाल सकते हैं, तो लड्डू अच्छे से बन जाएगा।
सूजी के लड्डू रेडी है, ये एकदम टेस्टी बना है। सूजी के लड्डू को एयर टाइट कंटेनर में भर के रूम टेम्परेचर पे 20 से 25 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने लड्डू बनाने में दूध का इस्तेमाल किया है तो इसे रूम टेम्परेचर पे न रखें, इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में ही स्टोर करें, तो ये 15 से 20 दिन तक अच्छे से रहेगा। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।